भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल और सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश में सामान्य विकास के लिए कार्य कर रही है और जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है विकास के कार्य को मोदी सरकार उसी प्रकार से चला रही है जिस प्रकार से पहले चला रही थी। मोदी सरकार यह नहीं देखते कि प्रदेश में कांग्रेस हो या भाजपा, केवल विकास की बात होती है। उन्होंने कहा कि कल कैबिनेट में मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को सतलुज नदी पर 382 मेगावाट का सुननी हाइड्रो प्रोजेक्ट दिया है। इसको सतलुज जल विद्युत निगम चलाएगा। इस प्रोजेक्ट से हिमाचल प्रदेश को बहुत लाभ होने वाला है। संजीव कटवाल ने कहा कि यह प्रोजेक्ट 2 संसदीय क्षेत्रों के लिए लाभदायी होगा जिसमें मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्र है। जब यह प्रोजेक्ट बन रहा होगा तो 4000 लोगों को इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरी प्राप्त होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सत्ता संभाली है, हिमाचल प्रदेश को नए नए प्रोजेक्ट समय समय पर देते रहते हैं। आपने देखा होगा जब अटल टनल का काम बंद था तो जैसे ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता संभाली और हमारी टनल तैयार होकर लोगों को समर्पित कर दी। इसी प्रकार बिलासपुर के एम्स के अंदर आपने देखा कि एम्स जो है बन के तैयार हो गया, जिसका शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे हैं। 31 तारीख को औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 42 करोड़ रुपये मंजूर किए, जिसमें पालमपुर के अंदर आईटी पार्क, प्रौद्योगिक पार्क जो है नगरी के अंदर बनाने के लिए या 3 और परियोजनाओं के लिए 42 करोड़ रुपये दिए। लेकिन कल तो माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी सौगात दी। 382 मेगावाट का सुन्नी के अंदर सतलुज नदी पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर 2615 करोड़ रुपया खर्च होगा और 4000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल को बोलने में भी अपना घर नहीं मानते, लेकिन करके दिखाते हैं। हिमाचल के हित के लिए कोई भी योजना हो, परियोजना हो, उसको सबसे पहले हिमाचल को समर्पित करते हैं। आपने देखा कि कुछ महीने पहले वंदे भारत ट्रेन का विषय आया तो वो भी हिमाचल प्रदेश ऊना से शुरू की। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार परिवर्तन होने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश के हर हित की चिंता कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती है, आभार व्यक्त करती है और हमें आशा है कि आगे भी प्रधानमंत्री जी प्रदेश के हित के लिए काम करें। दुर्भाग्य है कि सत्ता परिवर्तन के बाद जो यहाँ ऑफिसेस खोले गए उसका डी नोटिफाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार थी, जितने भी ऑफिस हैं वो लोगों के डिमांड के ऊपर खोले गए थे। जो लोगों ने इच्छा जाहिर की थी, लोगों को लगता था, पब्लिक को लगता था कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है और सरकार को भी लगता है, सरकार ने ऑफिस खोले। और कई ऑफिस तो ऐसे थे जिनको लगभग एक वर्ष हो रहा है, वहाँ चाहे वो स्टाफ बैठा हुआ है, काम लगा हुआ है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ बदले की भावना से कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया, ये सारे ऑफिस को डी नोटिफाई कर दिए। तो कई बार ऐसा लगता है कि सरकार ही डी नोटिफाई है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी कैबिनेट बनाएं, कैबिनेट बनाने के बाद अगला काम करें। वो उनका ये कि काम है कैबिनेट की चिंता छोड़ के केवल ऑफिसों को डी नोटिफाई करना, यही काम लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में गई है कि लोगों ने जो लोगों के हित के लिए, लोगों के जिनकी ज़रूरत थी डिमांड के अनुसार जो ऑफिस खोले थे, उनको भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के द्वारा बहाल करवाएगी और लोगों को जो उसका सदुपयोग या जिसका लाभ मिलने वाला है वो मिलेगा। तो मैं तो दोबारा यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। इसी तरह चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों में आके आंदोलन करेगी और अपने हक को लेगी जो ऑफिस